Hello kids, we have read the first part of the chapter 2 frogs. Let's continue further with the next part. Kids, let's start reading. Pala said, Dear, look at the buildings, how tall they are. Our village is now on the way to advancement. दोनों आपस विच गल्लां कर रहे हैं। पाला कहता है कि देखो इमारतों वाल देखो कितनियां उच्चियां उच्चियां हैं। साडा पिंड हुण तरक्की दे राह ते चल पिया है, तुहानू नज़र आ रहा ना कितनियां उच्चियां इमारतां हैं। बीरू ग्रंबल्ड, एडवांसमेंट, डोंट यू रियलाइज दैट आर हेल्थ इज एट स्टेक। बीरू खिंच के बोलती है, तरक्की कादी तरक्की, साडी सेहत ही खतरे विच है तो उस तरक्की का की फायदा। बीरू नूं ये तरक्की चंगी नहीं लग रही क्योंकि साडी सेहत नूं खतरा है। व्हाट आर यू सेइंग, आस्क्ड पाला। पाला कहता है तू की कह रही है। पाला नूं उसकी गल समझ नहीं आई। दोनों आपस दे विच गल्लां कर रहे हैं। बीरू उसनूं समझाउण दी कोशिश कर रही है। बीरू कहती है यू नीड टू लुक अराउंड यू, सैड बीरू। बीरू उसनूं कहती है कि तैनूं अपने आले दुआले देखना चाहिए है। पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंडस ऑफ फैसिलिटीज़ बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली। लोगों कल बहुत सोने सोने घर हैं, सारिया सहूलत उन्होंने घर में हैं पर वह उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर वह घर का की फायदा। बच्चों तुम भी अपने घर सही साफ सुथरा रखो, इस्तेमाल करो। वट डू यू वॉन्ट टू से, आस्क्ड पाला। पाला कहता तू की कहना चाह रही है। बीरू रिस्पोंडेड दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स प्रॉपरली। बीरू दसदी है कि वो अपनी टॉयलेट्स का यूज़ नहीं कर रहे, टॉयलेट नू ना यूज़ करके वो बाहर खुले के बिच आके टॉयलेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही बुरी गल है। वट, एक्सक्लेम्ड पाला। पाला नू भी बड़ी हैरानी होंदी है गल सुन के। वो कहता है कि टॉयलेट्स ही यूज़ नहीं कर रहे। बीरू कॉन्टीन्यूड दे डेफिकेट इन द ओपन नियर माई होम। वो कहती है कि वह ओपन दे विच खुले दे विच मेरे घर के लागे आ के मेरे तालाब के नेड़े आके डेफिकेट करते हैं, उत्थे टॉयलेट करते हैं। उसनू ये बहुत बुरा लग रहा है। दिस प्लेस स्टिंग्स, आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लेजेंट ऑर्डर। वो कहती है कि ये जड़ी जगह है बदबू छड़ रही है, मैं इस जड़ी बदबूदार गंदी बदबू तो अक गई हाँ, तंग हो गई हाँ। उसनू बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों तुहानू भी बदबू चंगी नहीं ना लगती, इस तरह बीरू नू भी बदबू चंगी नहीं लगती है। वो फिर अगों दसदी है कि दे आर नॉट ईवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस। उन्होंने इस गल का भी कहती है कि लोगों को महसूस नहीं हो रहा कि कितना खतरा वो जरा है कि सामना कर रहे, कितने खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को जाना पड़ेगा। उसने इन गल की समझ नहीं आ रही हैगी। सो किड्स, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। बाय।